तो दोस्तों बहुत सारे लोग इंडिया में बड़ी ही बेसब्री से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं OnePlus Nord 3 का कि भाई कब OnePlus Nord 3 यहाँ पे इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी उनमें से यहाँ पे आते हैं तो आपका इंतजार यहाँ पर बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि OnePlus Nord 3 का जो ऑफिशियल ट्रेलर है वो यहाँ पे आ चुका है टीजर, और साथ में जो लॉन्च डेट है वो भी यहाँ पे कन्फर्म हो चुकी है। जी हाँ, मैं झूठ यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ। दरअसल बात यहाँ पर यह है कि OnePlus Ace 2V ये वाला जो स्मार्टफोन है OnePlus Ace 2V ये चाइना के अंदर लॉन्च होने जा रहा है 7 मार्च को, और जो सेम स्मार्टफोन है वो ग्लोबली यहां पे लॉन्च होगा OnePlus Nord 3 के नाम से। और जो OnePlus का जो Ace 2V है इसका यहां पे ट्रेलर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आउट हो चुका है। तो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus Ace 2V की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, मतलब कि OnePlus Nord 3 की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और साथ ही में आपको बताएंगे कि इंडिया में ये जो स्मार्टफोन है ये कब तक आपको देखने को मिल जाएगा, इसकी लॉन्च डेट यहाँ पे क्या कुछ होने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं OnePlus Nord 3 की, या फिर यूं बोलूँ कि चाइना के अंदर OnePlus Ace 2V की जो लुक है उसके बारे में। तो आप देख सकते हो जो डिजाइन है काफी आपको यहाँ पे खूबसूरत देखने को मिल जाता है। दरअसल यहाँ पे दो कलर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, एक होगा लाइटिश थोड़ा सा ग्रीन और दूसरा होगा ब्लैक वाला। जो लाइटिश ग्रीन कलर यहाँ पे होने वाला है ये आपको ग्लॉसी देखने को मिलेगा बैक साइड से, और जो ब्लैक वाला कलर होने वाला है ये आपको मैट के अंदर लेदरेट फिनिश के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो डिजाइन है भाई मुझे यहाँ पे काफी यहाँ पे पसंद आया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो OnePlus का 3-stage OG अलर्ट स्लाइडर है वो यहाँ पे रखा गया है, तो काफी सही चीज यहाँ पे हो जाती है। तो जो डिजाइन है स्मार्टफोन का पर्सनली मुझे काफी अच्छा लगा है, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अब दोस्तों चलते हैं स्मार्टफोन के यहाँ पे फ्रंट के ऊपर, तो फ्रंट भी भाई उतना ही प्यारा यहाँ पे दिखता है। सबसे पहले आप देख लीजिए डिस्प्ले है, यहाँ पे आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन आप एजेस देखिए भाई, जो बेजल्स हैं नॉन एग्जिस्टेंट है, कितने कम बेजल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्प्ले काफी खूबसूरत यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। 6.72 इंच का फुल एच डी प्लस की रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले यहाँ पे काफी कमाल की फ्लैगशिप होने वाली है। अब चलते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर, तो भाई कोई कमी नहीं है। यहाँ पे आपको Dimensity का 9000 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, MediaTek Dimensity 9000, आपको पता है एक बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट 4 नैनोमीटर बेस्ड यहाँ पे एक फ्लैगशिप चिपसेट यहाँ पे हो जाता है। इसकी परफॉर्मेंस आप मान सकते हो कि Qualcomm के Snapdragon 8 Plus Gen 1 के मुकाबले की आप इसे बोल सकते हो। अंतुतु स्कोर भी इसका आउट हो चुका है, आप देख सकते हो कि 1 मिलियन के करीब इसका यहाँ पे अंतुतु स्कोर आता है स्मार्टफोन का, तो परफॉर्मेंस के अंदर कोई कमी नहीं है। ऊपर से यहाँ पे आपको 16 GB तक का रैम भी देखने को मिल जाएगा और 256 GB तक का इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। ऑफ कोर्स फ्लैगशिप स्टोरेज वगैरह यहाँ पे होने वाली है। आप चलते हैं यहाँ पे कैमरा सेटअप के ऊपर, तो रेयर साइड में आप देख सकते हो ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, दो बड़ी बड़ी कैमरा हाउसिंग के अंदर यहाँ पे आपको। अब जो मेन सेंसर होने वाला है वो आपको 50 MP का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि होगा IMX890। तो दो और सेंसर देखने को मिलेंगे, यूजलेस 8 MP का अल्ट्रा वाइड और एक और 2 MP का मैक्रो कैमरा। फ्रंट सेल्फी यहाँ पे दिया गया है 16 MP का। अब यहाँ पे स्मार्टफोन को पावर देगी एक 5000 mAh की बैटरी, 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सही चीज ये है कि जो स्मार्टफोन है आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के ऊपर यहाँ पे रन करेगा, लेटेस्ट UI वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है, और दिखने भी मुझे काफी मिनिमलिस्टिक और काफी एक फ्लैगशिप वाला टच यहाँ पे लुक मुझे इसके अंदर लगा है। तो स्मार्टफोन पर्सनली मुझे यहाँ पे पसंद आया है। अब प्राइसिंग की बात कर ली जाए कि कब तक और किस प्राइसिंग पे आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। देखिए नॉर्ड सीरीज की जो प्राइसिंग है जनरली आपको वही देखने को मिलेगी, इसका बेस वेरियंट वही आपको 30,000 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 35,000 तक इसका बड़ा वेरियंट यहाँ पर जाए, जो कि हर बार ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे बात कर ली जाए कि कब तक आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि चाइना के अंदर 7 मार्च को OnePlus Ace 2V नाम से यहां पे लॉन्च हो रहा है, और इंडिया के अंदर ग्लोबली यहां पे Nord 3 के नाम से लॉन्च होगा, और बताया जा रहा है कि जुलाई के अंदर आपको ये इंडियन मार्केट में और इसका ग्लोबल लॉन्च यहां पे देखने को मिलेगा। तो जुलाई तक आपको रुकना पड़ेगा अगर आप इस स्मार्टफोन को OnePlus Nord 3 को यहां पे खरीदना चाहते हो 30,000 रुपए के आसपास की प्राइसिंग में। तो ये चीज है। बाकी आपको कैसा लगा स्मार्टफोन, इसकी स्पेसिफिकेशंस, क्या आप इसके लिए वेट कर रहे थे, क्या खरीदना पसंद करोगे इस प्राइसिंग पे, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना अपने विचार। और दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर से दिखा देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा देना अगर आप पहली बार आए। और मैं मिलता हूं हमेशा के आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।